तो आप सांसद स्वाति मालिवाल को दुर्व्यवहार एने से दिल्ली पुलिस को फोन करथिबा सूचना मिली। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय रे तांको दुर्व्यवहार करा जायथिबा नै से फोन करी जणाइथिले। तबे दिल्ली पुलिस को से फोन करी से निजर परिचय देबा सहित मुख्यमंत्री पीए दुर्व्यवहार करथिबा कहिथिले। आउ एबले दुर्व्यवहार खुद मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन रे होईछि, किंतु एने से पुलिस निकट रे विधिवत अभियोग करनांती। सेबडे अभियोग परे तदंत हेबो बोली दिल्ली पुलिस कहिछि। एने आप को टारगेट करिछि बीजेपी। स्वाति मालीवाल जी जो राज्यसभा की एमपी हैं, अभी अभी उनको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पीए वैभव से कह के उनको पिटवाया, उनको साथ मारपिटाई करवाई। ये बात स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी, और जब पुलिस 100 नंबर वाली वहां पहुंचती है तो स्वाति मालीवाल जी कहते हैं मैं रिटर्न में कंप्लेंट बाद में दूंगा। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये मारपिटाई क्यों स्वाति मालीवाल जी के साथ करवाई गई, एक औरत के साथ इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया गया, और औरतों के साथ वहां पर क्या क्या मुख्यमंत्री के निवास पे किया जाता है, ये बहुत जल्दी सामने आएंगी बातें जब स्वाति मालीवाल अपनी लिखित में कंप्लेंट देंगी। पर एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट भी हैं और औरतों को पिटवाते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी को घर बुलवा के पिटवाया था, जैसे अपने एमएलए को पिटवाया था। अब स्वाति मालीवाल एक औरत को जो विमेन कमीशन की चेयरमैन रही हों और औरतों की वकालत करती हों, आज वो अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस को फोन कर रही हैं। आज ये हालात बन गया, अरविंद केजरीवाल जी औरतों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ए बाबत रे अधिक आलोचना पाए हम से तो अर्गस प्रतिनिधि गगन मिश्रा हम से तो जुड़े होछन। गगन, आप सांसद स्वाति मालीवाल को दुर्व्यवहार करा जाय छ एने से खुद दिल्ली पुलिस को जणाइथिले। पुलिस पहुंचिबा परे से परे अभियोग करियो बोली कहिसेंती, जा वर्तमान में प्रतिक्रिया भी सुनुथिलु जे कोन या पछे कारण दुर्व्यवहार करा जायथिबा खबर केते सत, कोन पूरा खबर? देखो निश्चित भाव आज सकाल जी देखिए सांसद जी रही मुख्यमंत्री निवास मुख्यमंत्री निवास से कौन कारण तो हूं तो जुक्तितर्क जहाँफल विभव जी रही पर्सनाल सेक्रेटरी पीए आपे तेणु सीए सीधा सड़क अटैक कर एवं कोटना कोठी तांको फील हिची बा से जणा पछि जे निश्चित भाबे तांको जीवन प्रति विपद रहिछ। एवं दुई तरह से पीसीआर को कॉल करछन्ती एवं देखिबे स्वाति मालीवाल होछन्ती दिल्ली रो एभली जणे नारी जे कि सबु समय रे चर्चा रहिथांदि जे निर्भया कांड कोंतु किंबा जेकोसी जगार नारी उपरे आलिगेशन आसिले सीधा सड़क नारी उपरे कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेले सी सीधा सड़क राजरास्ता आसंत बर्तमान से आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद रही निश्चित भाव जड़े सांसद हिसाब से जिते अटाक करवर्त पर्यायर से रिटिन कंप्लेन करने को डरुंच से निश्चित भाव जो आलिगेशन बर्तमान भारतीय जनता पार्टी पक्ष आनी निश्चित अणाई यह संगीन आरोप बोली कहे एवं जड़े सांसद एवं पूर्वरु जे कि महिला दिल्ली महिला कमिशनर थिले जिते अटाक कराऊ तेणु ये कथार स्पष्टता आसवा निहाती आवश्यक करुच्छी कहीं देखिए दिल्ली पुलिस पीसीआर को जिते से सर्वप्रथमें कल करते से सीधा सड़ख सीएम आवास मत उधार करा किसम पर पुणी गोटे कल करते सीधा सड़क से आलिगेसन देते जहां दिल्ली पुलिस कहवा कथा जी विभव जी पर्सनाल आसीस्टां रही केजरीवाल किए अटाक करते जीवन प्रति विपद रही कि जो पुलिस से पहुंची से कौटना कौटि रिटिन कंप्लेन परवर्त पर्यायर देवे कहते तेणु ये कथि को बर्तमान कौटना कौटि साधारण ग्रहण करदी सी पीसीआर को कल कले तेणु रिटिन कंप्लेन कहीं करना हूं तोवर्त पर्यायर धमक दिगला कि जीवन प्रति विपद रही कि हूं तो से डरिकी दौना किनेक कथ बर्तन आसो देखिए जो सीएम आवास में जड़े महिला सांसद सुरक्षित नाती तेणु से दिल्लीवासी केमती सुरक्षित रही ये कथ को लेकिन बर्तमान भारतीय जनता पार्टी सीधा सड़क आम आदमी पार्टी सरकार को टार्गेट कर यार जवाब बर्तमान पर्यटन कौन से आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन कहतु नेता कहतु क्लारी रखि ना कथ कथ के जो मैंने प्रेसमिट करती सी यार क्लारी रखार आवश्यक पड़ू बोली भारतीय जनता पार्टी पक्ष निमिता कह गगन जो अभियोग है जे किए दुर्व्यवहार कले से भले किछे निर्दिष्ट खबर रहुची कि एवं जेते बेले ये अन्य कोनोसी दल नुहे ये निजे होचंती आपर सांसद तांकु व्यवहार करबा एवं से पुणी आउ कोठे नुहे दिल्ली मुख्यमंत्री को कार्यालय रे तांकु दुर्व्यवहार करा जाय छी ये बड़ो सांघातिक अभियोग निश्चय गगन। देखो निश्चित भाव बड़ सांघातिक अभियोग निजे स्वाति मालीवाल जेते बेले कॉल करथले से सीधा सड़क विभव को ना नहीं
ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି କଲ୍ କରିଥିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପିସିଆର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍ ଆବାସକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ରିଟିନ୍ କଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଜମିନ ଆସମାନ ଫରକ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା, କିଛି ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ନା ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଟାକ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି, କପିଲ ମିଶ୍ରା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପାର୍ଥୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯିଏ ବିଜେପିର ସେଠି ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ସେଠି ଥିଲା ତା ଉପରୁ ପର୍ଦା ହଟିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିସିଆରକୁ କଲ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସେ ବିଭବଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ଉପରେ ପର୍ଦା ହଟିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକ ମାଲିୱାଲ ହିଁ ଇଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ନିହାତି ଗଗନ, କିଛି ଚାପ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେସର ହଉଛି ବା କିଛି ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଫୋନ କରିଥିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଖବର ରହୁଛି, ଆପ୍ ସାଂସଦ ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।